नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय। आप देख रहे हैं द क्वेश्चन आर भारत। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल के साथ मैं आया हूं, और सवाल है ये आपसे, सवाल है आपकी कॉन्शियंस से, सवाल है कि इस देश में हो क्या रहा है आखिर। मैं एक थ्योरी देना चाहता हूं और इसका जवाब आप ढूंढिए। आपको लगे कि जवाब बाकियों से भी मांगना चाहिए, वीडियो को शेयर करिए। आज मैं दो तरह से एक थ्योरी देना चाहता हूँ और दोनों ही सवाल हैं। आपका क्या तरीका होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं इस चीज़ को पूछने का। हर बॉडी को जैसे कि एक सेंटर होता है, जैसे चर्च है, जो पोप हैं वो पूरी दुनिया भर के चर्चेस को और जितने भी गिरजाघर जितने भी हैं, क्रिश्चियंस के जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडी है, उनको एक तरीके से चर्च या पोप कंट्रोल करते हैं। उनका सुपरविजन रहता है एक तरीके से, हाईएस्ट अथॉरिटी वही। मस्जिदों का भी कोई सीन होता होगा, जाहिर सी बात है भारत में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मस्जिद हैं, ठीक, और मदरसे भी हैं, मतलब एक वर्शिप की जगह भी है और एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है जो उनको रिलीजियस टीचिंग प्रोवाइड कराता है बच्चों को। अब आयरनी यह है कि हमारे संविधान में स्पेशल परमिशंस हैं कि भैया माइनॉरिटी पढ़ा सकती है, रिलीजियस टीचिंग दे सकती है, लेकिन मुझे ये कहीं नहीं मिला कि मेजॉरिटी को इसकी मनाही है, लेकिन फिर भी हमारे देश में गुरुकुल ना के बराबर है, ठीक है। ये सवाल आप पूछते रहिए खुद से, ना मिले तो वीडियो शेयर करिए, कोई और जवाब दे देगा। जिसको डिलिबरेटली ख़त्म भी किया गया गुरुकुल्स को, उस पर बाद में आएंगे कभी। ठीक उसी तरीके से क्रिश्चियंस का चर्चेज हैं, जितने उनकी बॉडीज़ होती हैं जहाँ पर प्रेयर की जाती है, उसके बाद कॉन्वेंट स्कूल भी हैं, मिशनरी स्कूल्स भी हैं, सेंट जोसेफ, सेंट स्टीफन, सेंट ये, सेंट वो, तमाम हैं, ठीक है। इन दोनों इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, दोनों की रिलीजियस बॉडीज़ अच्छे से काम कर रही हैं और पूरे संविधान में बहुत बड़ी छतरी दे दी गई, आप इस शेड के अंदर काम करिए, आपको कोई टोकेगा नहीं। ये कितना हार्म पहुँचा रहे हैं इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं, बहुत लोगों को लग चुका है, इसलिए लोग काम पर लगे हुए हैं, लेकिन खैर। और इन लोगों को फंड्स भी जाते हैं, माइनॉरिटी फंड्स जाते हैं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी मतलब सेकुलर कंट्री में आप दर्जे के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। सेकुलरिज्म में जहां कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में सबको बराबर होना चाहिए, किसी को किसी और एस्पेक्ट पे बहुत कुछ नहीं देना चाहिए और बहुत कुछ नहीं ले लेना चाहिए, लेकिन यहां पे हो रहा है, ठीक। और आप देख सकते हैं किस तरीके से फल फूल रहे हैं और हम किस तरीके से हर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी आयरनी है कि आप उस देश में ये सब देख रहे हैं जहाँ पे मेजॉरिटी, मतलब जो सिविलाइजेशन हजारों सालों से रह रही है, आज उसके ऊपर ही प्रताड़ना हो रही है, आज वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रही है, और किसके द्वारा? इन्वेडर्स के द्वारा। अब आ जाते हैं मेन थ्योरी पे, जो कोर मुद्दा है, जो मैं आपसे पूछना चाहता था, जो आप खुद से पूछेंगे, जो आप आगे बढ़ाएंगे, कि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मस्जिद, चर्च, मिशनरी स्कूल्स, जो आधा तो उनका काम कन्वर्जन का भी होता है, द प्रिंट ने इस तरीके से बोस्ट किया था कि उनका काम सिर्फ कन्वर्जन का नहीं होता, उनका काम और भी होता है, मतलब कन्वर्जन कर रहे हैं उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन और भी काम कर रहे हैं, तो कन्वर्जन को ना देखा जाए। तो ऐसे हिपोक्रेसी तो लोग खुद अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं कि वो हैं किसके साइड, ठीक। और मदरसे तो मतलब दोनों रिलीजन को अच्छे से फलने फूलने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन गुरुकुल आपको नहीं देखने को मिलेगा, ना के बराबर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मैंने शुरुआत में कहा कि इनकी जो बॉडीज़ होती हैं, जो ऊपर से सुपरवाइज करती हैं, फंड आता है वगैरह वगैरह, तमाम कामों के लिए, कन्वर्जन के लिए और तमाम चीज़ों के लिए इनको फंड आता है, और जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंडक्ट करने के लिए, कुछ भी हो जाए तो वेटिकन सिटी से फरमान आ जाता है या फिर मक्का मदीना से कुछ फतवा जारी हो जाता है, तमाम चीज़। क्या हम लोग हिंदू भारत, क्या किसी क्रिश्चियन कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में उसी तादाद में, उतने ही नंबर में जितने नंबर में यहाँ मस्जिद, मदरसे, चर्च और मिशनरी स्कूल्स हैं, उसी प्रोपोर्शन में हम क्या उनकी कंट्रीज़ में, यानी इस्लामिक कंट्रीज़ में और क्रिश्चियन कंट्रीज़ में, हम अपनी बॉडीज़ खोल सकते हैं क्या, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं क्या उसी प्रोपोर्शन में, सेम डिट्टो? अगर आप यहाँ 10 खोलेंगे, हम वहाँ भी 10 खोलेंगे। आप यहाँ मस्जिद बनाएंगे, हम वहाँ मंदिर बनाएंगे। आप यहाँ मदरसा बनाएंगे, हम वहाँ गुरुकुल बनाएंगे। क्या हम कर सकते हैं? क्या होना नहीं चाहिए? क्या इस बात का ठेका जो बाकी लोग, जो इंटरनेशनली
मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं और क्रिश्चियन के ठेकेदार बनते हैं, जिनको प्रॉब्लम हो जाती है कि कहीं चर्च गिर गया, कहीं मस्जिद गिर गई, तो पूरा दुनिया परेशान हो जाती है, अरब वर्ल्ड, क्रिश्चियन वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड। तो क्या जब वो हमारे यहाँ अपनी दुकानें खोले जा रहे हैं तो क्या हमें खोलने देंगे? पहली चीज, क्या खोलने नहीं देना चाहिए? इस बात पर विचार करिए। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट, क्या क्रिश्चियन वर्ल्ड में या इस्लामिक वर्ल्ड में या अरब वर्ल्ड में जो भी कह लें, उनके यहाँ जितने नंबर में हमारे इंस्टीट्यूशंस होंगे, मंदिर या गुरुकुल जितने नंबर में होंगे, उतने ही प्रोपोर्शन में हम यहाँ रहने देंगे? अगर वहाँ एक है तो यहाँ सब टूटेगा और सिर्फ एक बचेगा। माना लोग कहेंगे कि अरे भाई सिविल वॉर की तरफ ले जा रहे हो, रिलीजियस वॉर हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह, उसको आप थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए। एक बात हो रही, हम लोग वो देश हैं जो बात विवाद करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जो तर्क में हारा वो हार गया, जो जीता उसकी बात मान ली जाती है। तो जितने प्रपोर्शन में आपको अपना मस्जिद, अपना गिरजाघर यानी चर्च, अपना मिशनरी स्कूल, अपना मदरसा यहाँ चलाना है, उसी प्रपोर्शन में हम आपके नेटिव कंट्री में भी खोलेंगे, क्योंकि वो तो आपके ठेकेदार हैं, यहाँ पे कुछ होता है तो उनको चिंता होती है। तो अगर वो अपनी दुकानें यहाँ खोलेंगे तो हमारा भी खोलने दीजिए उसी प्रपोर्शन में। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर किसी ने भी दोनों में से किसी एक में ना बोला तो ये समझ ले कि वो बस ये चाहता है कि यहाँ तो धर्मशाला बनी हुई है, जो आए बसता जाए, सब कुछ करता जाए, एक्सप्लॉइट करता जाए, रिसोर्सेज को यूज़ करता जाए, लैंड को यूज़ करता जाए, मनी को, हर चीज़ को यूज़ करता जाए, लेकिन उनकी नेटिव कंट्रीज़ में जो लोग पक्ष लेते हैं ना, जिनको कश्मीर के मुसलमानों की बहुत चिंता होती है, जिनको वेटिंग सिटी वालों को यहाँ क्रिश्चियंस की बहुत चिंता होती है, तो उनको नहीं चाहिए कि हम उनके यहाँ कुछ खोल लें, है ना? अपना हम स्प्रेड ना करें, अपना हम इस्टेब्लिश ना करें, लेकिन वो यहाँ सब कुछ करते जाएं। ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा, कैसे चलेगा, कौन रोकेगा इसको, और इस पर सवाल कब उठेगा, इस पर बात भी कब होगी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ इस पर बात कब होगी, ये आपने कब सोचा है? खैर, मैं चाहता हूँ इस बारे में कमेंट में बताइए। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। बहुत लोगों के मन में सवाल होना चाहिए, ये बात उठनी चाहिए, विचार तो एटलीस्ट करिए, इस पर विचार होना चाहिए। कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।